मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग फर्स्टली द मीनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। डियर स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ओनली रॉ मटेरियल्स और पार्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मींस कंप्लीट गुड्स through the use of tools, human labor, machinery and chemical processing. It is called the manufacturing. Here it means कोई भी goods जो उन मशीनरी के द्वारा जो बनाया जाता है या लेबर्स के द्वारा बनाया जाता है, यानी जो किसी प्रोसेस के द्वारा, जो रॉ मटेरियल के द्वारा, वो क्या कहलाता है आपका? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। आई एम गिविंग एग्जाम्पल such as paper. Paper is manufactured by the woods, यानी wood, लकड़ी के द्वारा, यानी जो paper होता है वो लकड़ी के द्वारा बनता है। अब paper यानी wood, paper wood से बना, यानी लकड़ी से बना, and wood is a raw material. And raw material go to the for process in industries. जो रॉ मटेरियल था, जो वुड थी, वो प्रोसेसिंग ली कहां पर गई? इंडस्ट्रीज में गई। और इंडस्ट्रीज ने क्या किया? उस पेपर वुड का, यानी उस लकड़ी का क्या बना दिया? पेपर बना दिया। तो क्या हुआ, यानी जो पेपर था वो किससे बना? रॉ मटेरियल, यानी किसका रॉ मटेरियल? पेपर का जो मटेरियल था वो वुड है, लकड़ी है, उससे क्या बन गया? पेपर बन गया। ऐसे ही शुगर केन यानी गन्ना। Sugar cane is a raw material of sugar. अब sugar cane processing ली कहा जाता है, industry में आता है, such as Behring industries. Behring केसर मिल, you know very well about केसर मिल, and it is a sugar cane sugar factory. यानी sugar cane farmers send to your sugar cane in industries, यानी केसर industries. For making the sugar, यानी वहां पर उसे भेजते हैं अपना गन्ना फैक्ट्री में, और उससे फैक्ट्री जो ऑनर्स होते हैं वो उसे क्या बनते हैं? बनाते हैं sugar, बनाते हैं। तो sugar cane is a raw material for sugar, और it is finished goods. Sugar is a finished goods made by the sugar cane by processing. So here stands importance of manufacturing, यानी importance of मैन्युफैक्चरिंग। हियर स्टैंड्स, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यू नो वेरी वेल, आई टोल्ड अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। हियर स्टैंड्स, प्राइमरी सेक्टर, इट इज द सेक्टर ऑफ द दोज एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द टेकन बाय द नेचर, जो नेचर से हमें प्राप्त होती है, इसी बात नेचर, सच एज एग्रीकल्चर, फिर माइनिंग, फिशिंग, ये क्या है? ये सब प्राइमरी सेक्टर। तो यानी जो प्राइमरी सेक्टर, डिपेंडेंसी ऑन द प्राइमरी सेक्टर, यानी जो लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंस है, तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रीज के आने से, इंडस्ट्रीज के होने से क्या हुआ? उनकी डिपेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई। यानी जो मेनली जो एग्रीकल्चर पर जो बोझ था, या अदर जो सेक्टर पर बोझ था, प्राइमरी सेक्टर के अदर पार्ट पर बोझ था, जो बर्डन था वो बर्डन इन मैन्युफैक्चरिंग में आकर क्या करते हैं? रिड्यूस कर दी, यानी जो उस पर डिपेंडेंसी थी वो कम कर दी। यानी अब स्टूडेंट, एग्रीकल्चर देखिए, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी की जो एग्रीकल्चर है वो क्या है? बैकबोन है। सेकेंड, प्री कंडीशन फॉर इरिडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। स्टूडेंट, प्री कंडीशंस होता है पूर्व की जो शर्तें होती हैं, शर्त लगाना, यानी बेट जो प्री कंडीशंस होती है, पहले की जो कंडीशंस होती हैं, एंड इरिडिकेशन मींस होता है कि किसी चीज को दूर करना, निवारण करना या उसका उन्मूलन करना, किसी चीज को हटाना या मिटाना, यानी दूर करना। तो इट इज द यानी प्री मैन्युफैक्चरिंग इज द प्री कंडीशन फॉर इरिडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी इस चीज को दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार होते हैं, मतलब पॉवर्टी होती, गरीबी होती है, उसको दूर करना। अब इससे क्या होता है कि अगर इंडस्ट्री सेटअप हो रही है,
मैन्युफैक्चरिंग बनना है, प्रोडक्ट बनना है, तो बहुत सारे लोगों का हो रहा है वहां पर एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है। और जब लोगों को वर्क मिलेगा तो क्या होगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट में रिड्यूस होगा, यानी उसमें डिक्रीज होगा, यानी लोगों को जब जो अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो अब एम्प्लॉयमेंट रूप में चेंज हो रहा है। वैल्यूएबल फॉरन एक्सचेंज, वैल्यूएबल फॉर एक्सचेंज, हियर स्टैंड्स वैल्यूएबल फॉर एक्सचेंज। अब इसके मीनिंग क्या है, यानी जो हमारा एक्सचेंज हो रहा है, हाँ कहते ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अब हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमारा प्रोडक्शन इंडियन कंट्री, यानी मेड द प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरन एक्सचेंज। यानी हम जो अपने गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और जो वैल्यूएबल गुड्स होते हैं उन गुड्स से हमारी जो करेंसी एक्सपोर्ट करते हैं वो थिंग्स, तो उनसे फॉरेन जो करेंसी होती है वो आती है हमारे पास, यानी एक्सचेंज होता है हमारी जो थिंग्स का, हमारे प्रोडक्ट्स का और उनके प्रोडक्ट्स का, तो ये भी क्या एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट आता है। बट होना क्या चाहिए, अब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैव हाई वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैव हाई वैल्यू, अब यहाँ पर लिसन कैरफुली, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होते हैं हायर मार्केट वैल्यू एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी और फिनिश गुड्स हायर वैल्यू और प्रॉस्परस। अब रेस्टोरेंट की हायर वैल्यू, यानी अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो गुड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होंगे तभी तो कोई खरीदेगा, अब उनमें क्वालिटी नहीं होगी हमारे गुड्स में तो उन गुड्स को बना के क्या फायदा, अगर हम गुड्स को बना के रख लें और हमें क्वालिटी नहीं होगी तो उन गुड्स को कौन परचेज करेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है हायर वैल्यू, तो हमें अच्छी वैल्यू के अच्छी क्वालिटी के गुड्स भी बनाने चाहिए और उससे बनते हैं, और ये इंपोर्टेंस बनते हैं तो अभी तो बाहर जाती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट लाइक से यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू स्किल एज वेल एज अनस्किल्ड, यानी स्किल एंड अनस्किल्ड बोथ पर्सन के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शो करती है, यानी चाहे वो स्किल लेवल, स्किल मीन्स जैसे उसमें कुछ कौशल हो, उसे कुछ आता हो, जैसे कुछ सीखा हुआ हो, ट्रेंड हो, अनस्किल्ड वो लेवल के रूप में वर्क करता है, तो इस तरह से उन लोगों को यानी उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, यानी जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर होते हैं वो भी क्या होते हैं, यानी तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो भी मिलती है, यानी रोजगार भी मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी जो इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन, और इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कंट्री की इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो यार स्टूडेंट्स शेयर इन जीडीपी, अब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 17%, यानी कितना है इनका 17%, इनका क्या है उसमें 17% क्या है इसका मतलब शेयर है, टोटल 27% ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी टोटल क्या है। अब ये 17% कहाँ से मिलता है, जैसे कॉटन मिल हो गई, शुगर मिल हो गई, यानी टेक्सटाइल जो मिल होती है हमारी, इन सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन इंडस्ट्री से 17% इनको क्या मिलता है मैन्युफैक्चरिंग होता है 17%। अब टोटल 20% सेवन रन का, टोटल कितना है इंडस्ट्री सेक्टर का 27, अब 10% रह जाता है उसमें से क्या होता है कि जो 10% रह जाता है उसमें क्वारी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, गैस होती है, ये सब उसी में आ जाता है। अब लोअर देन, अब 17% लोअर देन सम ईस्ट एशियन इकोनॉमी, अब इनकी जो हमारी 7 जो ग्रोथ रेट है वो 17% है, यानी अदर कंट्री से क्या है कम है, यानी होनी चाहिए 20 प्लस होनी चाहिए, 25 से ऊपर और 25 से ऊपर होनी चाहिए, बट 17% है कम है, अब 27% यानी टोटल इतना होना चाहिए, तो अदर जो है वो और से मिलता है। बट हियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि द शेयर ऑफ द मॉडेस्ट वैन कंपेयर टू द अदर कंट्रीज लाइक चाइना जापान, इन दोनों के लिए चाइना और जापान की जो इकोनॉमी है यानी जीडीपी है वो अप्रॉक्स 30 के आसपास है, कितनी है 32, यानी चाइना की 40% है, चाइना कितनी है 40% है, और ईस्ट एशियन कंट्री जो और है उनकी भी 30 से ऊपर है, तो ये क्या है हमारी जीडीपी है बहुत ज़्यादा कम है। अब एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट सच है टोल्ड हियर, मैंने एम्प्लॉयमेंट का उसमें बताया था आपको कि ये हमारी नेशनल इकोनॉमी में लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं उनको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, यानी रोजगार मिल जाता है, तो वो भी क्या करते हैं, यानी उसमें हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। ग्रोथ रेट, इट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ रेट यानी लास्ट डिकेड, लास्ट ईयर कुछ बहुत सारे लास्ट ईयर में कहता है ग्रोथ रेट इज 7% पर एनम, कितना था 7% पर एनम था, बट हियर स्टूडेंट्स जो जो लास्ट ईयर था 7% था, बट हियर जो डिजायर्ड ग्रोथ था, जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट था वो 12% था, कितना था 12%, यानी उससे हमारा क्या था, उससे 7% से काफी ज्यादा है, जो हमारी इच्छा थी वो कितनी थी 12% की, बट ग्रोथ रेट हमारी है कितनी 7%, कितनी है 7% थी, बट सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग, यानी 2003 से क्या हुआ, एक बार फिर से क्या हुआ, ग्रोइंग हुआ एट रेट 9-12% पर एनम, कितना हुआ 9-12% तक ये पर एनम आगे बढ़ा था, बट यहां पर है क्या कि स्टूडेंट ये बढ़ा तो इतना विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी, यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई उन पॉलिसी के बदौलत ये क्या हुआ था, इसमें ग्रोथ रेट यानी ग्रोइंग हुआ था। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें था कि जो इकोनॉमिस्ट थे, प्रोडक्टिविटी थी, तो इन सबको मैन्युफैक्चरिंग में लाकर जो अचीव किया था लार्जेस्ट ओवर नेक्स्ट डिकेड, यानी कि हम नेक्स्ट ईयर में इसको अचीव करेंगे ठीक से, और उसमें होगा क्या कि जो हमारे द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल थी, जो NMCC काउंसिल थी, वो क्या की सेटअप की, और उससे सेटअप करने के बाद में जो NMCC जो एक सेटअप की थी उसके सेटअप होने के बाद में कि इसकी ग्रोथ रेट को उस पर ध्यान दिया जाएगा और उस पर फोकस किया जाएगा, यानी जो हमारी कंट्रीब्यूशन था वो किससे था, इंडस्ट्री से और एग्रीकल्चर से, यानी दो अब होता क्या है कि एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, यानी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट आते हैं उन प्रोडक्ट क्या होता है कि एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, और बहुत सारे ऐसी जो थिंग्स हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर में यूज होती हैं और वो हमें सेकेंडरी सेक्टर से मिलती हैं, जैसे पाइप हो गए, इंजन हो गए, ये सब क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर से हैं और वो हमें प्राइमरी सेक्टर के लिए लाने पड़ते हैं, ठीक, जैसे खेत में हम इरीगेटेड करते हैं तो हमें पाइप की आवश्यकता पड़ती है, इंजन की आवश्यकता पड़ती है, मोटर की आवश्यकता पड़ती है, तो मोटर लगाई जाती है पंप सेट द्वारा या जो हम इरीगेट करते हैं, तो ये सब क्या है, ये इसी इंडस्ट्री सेक्टर के द्वारा, यानी सेकेंडरी और इंडस्ट्री जो आता है हमारा वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, तो इसी सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा प्राइमरी सेक्टर की, यानी दोनों क्या है एक दूसरे पर डिपेंड है, बट प्राइमरी सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से ही सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्ट जाते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।